नमस्कार, तो मैं धनबाद से भुवनेश्वर जा रही हूँ। हम सबको कल सुबह निकलना है और अभी तक मेरी पैकिंग भी पूरी नहीं हुई है। पता नहीं मेरी पैकिंग कब पूरी होगी। जब भी मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ, ये दोनों आके देखिए क्या कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड का भुवनेश्वर ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद मैं केवल एक हफ्ते के लिए जा पाई थी। तो अभी हम लोग फिर वहाँ जाने वाले हैं। ये देखिए, इन्होंने पूरे वार्डरोब का क्या हाल कर रखा है। तो अभी पापा आए हैं, पापा ने दोनों को बिज़ी करके रखा है। तब तक मैं जल्दी जल्दी पैकिंग पूरी कर लूँगी ताकि कल सुबह हम सब टाइम पे निकल सकें। बहुत सारी तैयारियाँ और भी करनी बाकी है, क्योंकि बच्चों को लेके निकलना है तो एक एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि कोई भी ज़रूरी चीज़ छूट ना जाए। खाने की चीज़ें, दवा वगैरह अभी सब कुछ रखना है। अभी तक मैंने सिर्फ कपड़ों की पैकिंग की है, तो चलिए देखते हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। सुबह जल्दी, जितनी जल्दी निकलने पर उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर ट्रैफिक नहीं मिलता और जल्दी से हाईवे पे पहुंच जाते हैं तो ज़्यादा रास्ता पार हो जाता है। लेट होने पे फिर ट्रैफिक में फंसने का डर रहता है। और भुवनेश्वर यहाँ से काफ़ी दूर भी है। ये हमारा पहला रेलवे क्रॉसिंग मिला। यहाँ युग बहुत खुश हो रहा है। युग की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसे भी बहुत ज़्यादा उल्टी भी हुई थी। उसने सुबह से कुछ ठीक से खाया भी नहीं है। युग ट्रेन देख के बहुत खुश हो रहा था, तो अभी उसकी उल्टी से थोड़ी तबीयत खराब है, वो बाहर देख रहा है। यशु कार में सो गई है। युग को उल्टी फिर से हो रही है। बार बार युग को उल्टी हो रही थी, इसलिए हमने एक जगह पे रुक के थोड़ी देर उसे बाहर घुमा दिया। और यहाँ पे मैं उसे कॉलिकेट भी दे दूँगी, हो सकता है इससे थोड़ा आराम हो, क्योंकि वो कुछ भी खा नहीं रहा है। तो यहाँ पे उसे थोड़ी देर हम लोग घुमा रहे हैं कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए। बाहर निकल के उसे थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है। तो यहाँ से हमने फिर से चलना शुरू किया है। ऐसे रुक रुक के थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। भुवनेश्वर है भी 500, 550 किलोमीटर दूर। मेरे घर से वहाँ के घर तक 550 किलोमीटर है। तो पता नहीं ऐसे रुक रुक के कब तक पहुँचेंगे, क्योंकि अभी यशु को भी उल्टी शुरू हो गई थी। दोनों बच्चे बार बार उल्टी कर रहे थे, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी और हमें बार बार रास्ते में रुकना पड़ रहा था। अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ है और काफ़ी देर हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज हम लोग जा पाएंगे। बहुत बार रुकना पड़ रहा था और मैं ठीक से कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। देखिए, दोनों का चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ है। युग की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि हमें लग रहा था अभी कहीं से हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़े। उन्होंने एक बूंद भी पानी या दूध नहीं पिया था। थोड़ा सा भी पानी पीते थे तो पूरा वोमिट होके निकल जाता था। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही थी उन्हें। हमें बार बार कार रोक के बाहर उन्हें टहलाना पड़ता था। बाहर घूमने पे वे लोग ठीक हो जाते थे, लेकिन फिर जैसे ही ट्रैवल शुरू होता था, फिर थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगती थी। देखिए, अभी काफ़ी शाम हो गई है। अभी आधा रास्ता ही पार हुआ है, तो हम लगता नहीं है कि आज पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी भी दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा है कि आधे रास्ते में बालासोर में रुक जाएंगे और फिर वहाँ पर थोड़ा आराम करके तब अगले दिन आगे बढ़ेंगे। तब दोनों बच्चों की तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी और अभी अंधेरा भी हो गया है। अभी हमने डॉक्टर से मेडिसिन पूछा है बच्चों के लिए, तो अभी वहाँ ही मेडिसिन खरीद लेंगे। देखिए, काफ़ी रात हो गई है, तो इतनी रात में बच्चों को लेकर ट्रैवल करना वैसे भी सेफ नहीं है और यहाँ दोनों बच्चों की तबीयत भी बहुत ख़राब है। तो थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे एक होटल में रुक गए। यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को दवा दी, उसके आधे घंटे बाद मैंने इन्हें खाना दिया, तो अभी दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है। तो अब अगले दिन आराम करके हम लोग सुबह ट्रैवल करेंगे। अब 200 किलोमीटर बाकी थे, तो हमने तय किया कि हम लेट से निकलेंगे, तो हम 10 बजे निकले। हमने आराम से नाश्ता किया, दोनों बच्चे भी अभी बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने भी अच्छे से खाया है। तो यहाँ पे रोड भी अच्छी है, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, तो हम लोग आराम से लेट से निकल रहे थे। अभी देखिए, दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं। यशु मम्मी की गोद में है। हम लोग थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे। अभी भुवनेश्वर शहर के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, हम लोग घर पहुंच गए हैं। मम्मी और ये दोनों बच्चे पहले ही अंदर आ चुके हैं। अभी मैं सामान लेकर जा रही हूँ। घर की हालत बहुत ख़राब है,
तो मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय।